अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है अनस। भाई मेरा नाम है आशीर। अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाई मेरा बड़ा भाई है, सही है। और हम लोग करने वाले हैं भाई एक और चैलेंज, और वो है भाई अंडे वाला बर्गर जो कराची का बहुत मशहूर है। ठीक है जी, हर स्ट्रीट फूड में सबसे मशहूर कराची का अंडे वाला बर्गर है। अच्छा भाई, ये बर्गर होने वाले हैं दो दो। ठीक है, दो दो बर्गर का चैलेंज है, और हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। लास्ट टाइम भी था ऐसे, लास्ट हमारा जो एक बिरयानी चैलेंज आपने देखा था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसने नहीं देखा वहाँ से जाके देख ले। तो अब देखते हैं अभी चैलेंज स्टार्ट करते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, पनिशमेंट आपको एंड में बताएंगे। ठीक है जी, सही है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, सही है। तो चले भाई शुरू करते हैं फिर। आप देख सकते हैं भाई हमारे सामने जो बर्गर वगैरह हैं आ चुके हैं। ठीक है, दो बर्गर मेरे पास हैं, दो बर्गर भाई के पास है मेरे। ठीक है ना, तो और जो इसके यहाँ टाइमिंग है इनका सीनियर नहीं है, जिसने पहले खाया वो जीत जाएगा। ठीक है ना भाई, तो चले भाई फिर शुरू करते हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं फिर। 1 2 3 लेकिन ये बहुत हैवी हो गया है, बहुत हैवी हो गया है। अच्छा जी, फिर आपको दिखाते हैं पनिशमेंट। हाँ तो भाई साहब दिखाएंगे भाई हम लोग आपको, और जो हारा है भाई इसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि बेचारा मेरे को मिली थी, मैं तो मिर्चें खाई थी, इतना मिर्चें नहीं है। इतना पनिशमेंट थोड़ी सी आसान है इसके लिए, क्योंकि हमने इसके लिए रखी थी पनिशमेंट आसान सी। तो भाई अभी हाथ था तो इसके लिए बड़ी मुश्किल पनिशमेंट होती है ना। तो अभी भाई लेके आते हैं भाई, इसके लिए पनिशमेंट लेके आते हैं। ठीक है ना, तो बस इसको समेटते हैं और फिर आपके अभी पनिशमेंट लेके आते हैं भाई। चलो भाई, तो भाई साहब पनिशमेंट में था भाई आइसक्रीम है, और आइसक्रीम के पास चले ऐसे नहीं खाना, आइसक्रीम है उसके बाद भाई डलेंगे भाई कैचअप। एक डलेगा ये एक एक कर रहा है, ये आइसक्रीम बहुत कम है, एक डलेगा ये आइसक्रीम। एक चम्मच की बात हुई, कराची का साला इतनी गर्मी हुई है कि आइसक्रीम भी बिगड़ गई है भाई, डालने दे भैया बस कर जा। कुछ भी नहीं आया, बहुत है बहुत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। ये डालने दे, ये आया ना असली आया था, पता नहीं कौन सी कंपनी का था। चलो भाई साहब अब खाओ, ये मिक्स करना इसको सही तरीके से। हाँ ये फालूदा बन गया अभी अंदर ही, ये लाल लाल। पूरी खानी है, पूरी नहीं खानी, पूरी खानी है। चल चल, मैंने पूरी खाई थी चॉकलेट, वो हरी मिर्च। ये बहुत वेट फूड कॉम्बिनेशन के अंदर आता है भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर भाई इसको खा के चेक कर चुके हैं, और सबका रिएक्शन वही है कि भाई बड़ा बड़ा घटिया सा लगता है, टटिया सा लगता है इसका फ्लेवर। ये केचप तो अभी रखा है जिसने साइड, खा खा खत्म कर खत्म कर। नहीं भाई पूरी खानी है, ये तो इतनी सी छोड़ दी, नहीं भाई बस वैसा इतनी सारी छोड़ दी, मैं थोड़ी सी खा के सीखते नहीं होता कैसे। लेकिन इसका चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा फर्क पड़ भी नहीं रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं 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 बस नहीं, केचप का थोड़ा बहुत अलग फ्लेवर आ रहा है अंदर से, लेकिन वैसे वैसे सही है, इतना ही वेयर नहीं है, खाने में खा भी सकते हो कोई भी खाना चाहे तो।
वैसे वेट नहीं। हाँ अगर चॉकलेट हो तो, वरना का वेनिला वगैरह होगा फ्लेवर उसके अंदर, फिर आपकी फर्जा नहीं है। चॉकलेट फ्लेवर था, डार्क था और आराम से खा ली गई। तो भाई आज की वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको आज का हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना है मत भूलिएगा, ठीक है। अगले चैलेंज के लिए तब तक इंतजार करें, नेक्स्ट चैलेंज लेकर आएंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखें और कमेंट में बताओ यार और क्या क्या हमें चैलेंज लाने चाहिए, और सही है, और इस खाने के अलावा भी कोई फूड चैलेंज के अलावा हमें कोई चैलेंज करना चाहिए कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे भाई अगले चैलेंज के ऊपर, जब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।